दोस्तों, क्या आपकी भी नाभि बार बार हिलती रहती है? आप पेट को मिलवाते हो लेकिन नाभि दोबारा से फिर से हिल जाती है, जहाँ थोड़े दिनों बाद या थोड़े ही टाइम बाद। क्या आपका पेट भी फूलना शुरू हो गया है? आपको भूख नहीं लगती, खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता, टांगे फूलती हैं, पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, आप अपनी लाइफ से निराश हो चुके हो? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में ही बिना पेट को मलवाए नाभि को कैसे ठीक कर सकते हो, जिन्हें धर्ण बोलते हैं, नाभि बोल देते हैं। बहुत सारे भाई बहनों की नाभि हिलनी शुरू हो जाती है, वो अपने पेट को बार बार मलवाते हैं लेकिन उनकी नाभि बिल्कुल ठीक नहीं होती। ये प्रॉब्लम आगे से आगे और ज़्यादा बढ़ती जाती है, इससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। जिस इंसान की नाभि हिलनी शुरू हो जाती है, उस इंसान का माइंड डिप्रेशन में जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज आपके लिए एक देसी नुस्खा लेकर आया हूँ, इसे आप जब इस्तेमाल करोगे, आपको अपना पेट मिलवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे ये प्रॉब्लम आपको 6 महीने से हो या 16 साल से हो, आपको पेट मिलवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप देखो ये नुस्खा कैसे तैयार करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा दही, 3-4 चम्मच दही के ले लो। उसमें सरसों का तेल आधा चम्मच या थोड़ा सा, इससे कम, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डाल लो। और बाद में इसमें आप काली मिर्च का पाउडर डाल लो, जो नॉर्मल होती है काली मिर्च, या आप इसमें जो सब्जी में मसाला डाला जाता है वो भी थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल सकते हो। दोस्तों, आप ये नुस्खा दिन में एक बार 10 दिन लगातार यूज़ कीजिए। 10 दिन के अंदर अंदर आपकी नाभि अपने आप अपनी जगह आ जाएगी। और दोस्तों, जब नाभि हिलने लगती है तो शरीर में और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप ये नुस्खा यूज़ करोगे तो आपकी नाभि तो ठीक होगी ही होगी, इसके साथ आपकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि आपके ऊपर जो माइंड के ऊपर स्ट्रेस था कि मेरे पेट में जो प्रॉब्लम आ गई है, इसका कोई कोई डॉक्टरी इलाज भी नहीं मिल रहा, तो आपका इससे सोल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी जान लेते हैं कि जो नाभि हिलने की प्रॉब्लम होती है, ये हमारे पेट में गर्मी ज़्यादा पैदा होने से हिलने की नाभि हिलने की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सो इसके लिए क्या करना है, आप ये नुस्खा तो यूज़ करना ही करना है। इसके साथ आपने क्या करना है, शक्कर का 1 चमचा 1 गिलास में घोल के रोज़ पीना शुरू करो। सुबह सुबह पी लो, दोपहर को पी लो, चाहे शाम को पी लो, एक दिन में एक बार पीना शुरू करो। और इसके साथ कतीरा गूंद भी यूज़ करना शुरू करो। कतीरा गूंद आप किसी भी चीज़ में ले सकते हो, ये भी ठंडा होता है। इससे हमारी जो शरीर की पेट की गर्मी है ये बाहर निकल जाएगी और हमारी जो नाभि गिरने की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके साथ ही थोड़ी सावधानी है, वो ये है कि आप खाली पेट सीढ़ियाँ मत जाओ, खाली पेट ड्राइविंग मत करो। खास करके जब हम एक्टिवा वगैरह पर जाते हैं ना, स्कूटर पर जाते हैं, तो वो खाली पेट मत करो। कोई भी काम बाहर करना है तो पहले आप कुछ खा पी लीजिए, थोड़े दिन आपको ये परहेज करने की ज़रूरत है, बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, जिन्हें नाभि गिरने की, नाभि हिलने की या धर्ण की प्रॉब्लम है और वो इस बीमारी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जहाँ पर मिलते हैं देसी नुस्खों की वीडियो।